पागलों जैसे हंसना बंद करो, ये जो लोट लोट के हंस रहे हो दिमाग खराब कर रहे हो। सो गाइज हमारा पूजा हो गया है, दर्शन कर लीजिए। और ये है कुणाल जो पागल और जो पागलों जैसा हंस रहा है। और सो गाइज हाय, वेलकम बैक टू कृषि व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल कृषि फैमिली। और ये है कृणाल, थोड़ा जोर से रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे में और जोर से। और यहाँ पे हमारे सोसाइटी में फ्लैग होस्टिंग हो रहा था, ये एक्चुअली मैंने मिस कर दिया। तो कृणाल और अनायता नीचे गए थे और ये है आफ्टर फ्लैग होस्टिंग का वीडियो जहाँ पे सब लोग फोटो सेशन कर Much later. आज मैंने बनाया है दाल, भाकरी, आलू मेथी एंड राइस। ये है मेरा प्लेट और यहाँ पे कुणाल खा रहा है। और दोस्तों ये मैंने लेमन टी बनाया है हमारी धर्म पत्नी के लिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। थैंक यू। अरे तुमको क्या कप ये नहीं मिलता क्या? यही कप मिलता है क्या? इतने सारे कप पड़े ले। हमको जो ही कप मिला हम इस कप में दे दिया। और ये है अन्न। ये क्या है? हम इवनिंग में निकल गए थे मार्केट क्योंकि कल हमें एक फंक्शन अटेंड करना था तो उसकी शॉपिंग करनी थी। फिर उसके बाद हम चले गए हिरन एंड नानी स्टे जहाँ पे रिसेंटली उसने कृणाल और उसका फ्रेंड सर्च करके आया था प्लेस और मुझे उसको ट्राई कराना था तो वो मुझे लेके गया। यहाँ पे जाके मुझे काफ़ी ओके लगा। ये छोटा सा कैफे टाइप था जहाँ पे आप जस्ट एक स्नैक ले सकते हो लाइक पिज्ज़ा, पास्ता, फ्रेंच फ्राइज, ये ऐसे टाइप का। हेलो दोस्तों, वेलकम टू चिजेरिया। तो अभी मैं जैसे को लेके शॉप में आया हूँ जो हिरंदनी इस्टेट में है, विद सर्व्स गुड फूड एंड विद कॉफ़ी एंड दिस इज द मेन्यू। इनवाइट कर देना। और यहाँ पे अन्नु अपने पापा को मस्का लगा रही है, पापा की चमची पापा को मस्का लगा रही है कि मुझे प्लीज हनुमान लगा के दे दो। बट कुणाल बिल्कुल भी नहीं माना क्योंकि उसको ये हैबिट नहीं डालना है कि वो बाहर जाए तो हमारे साथ टाइम स्पेंड छोड़ के वो मोबाइल देखे। बहुत ही ज़्यादा उसको लाड़ कर लिया है कुणाल ने और उसका लाड जो उसने किया है वो सब दिख के आता है। ये क्या आया है? ये चीज चिली टोस्ट आया है अनु का। अनु बट ये स्पाइसी आप मत खाना, ओके? मम्मा खिलाएगी आपको। हमने किया था चीज चिली गार्लिक ब्रेड और अनायता देखी उसको एक्साइटेड हो गई। और मुझे तो हमेशा ऑल टाइम चीज गार्लिक ब्रेड पसंद है और अनायता को ये थोड़ा तीखा लग रहा था, थोड़ा गर्म लग रहा था। फिर हमने ऑर्डर किया पास्ता, पास्ता भी ओके था। हम कभी भी बाहर पास्ता नहीं खाते, पास्ता मैं मोस्टली घर पर ही बनाती हूँ। बट ये फर्स्ट टाइम था हम ट्राई किया हमने ये पास्ता और ये पास्ता हमें काफ़ी अच्छा लगा। हमने वाइट पास्ता किया हुआ था। फिर इसके बाद हमने ऑर्डर किया था तंदूरी पनीर शोरमा और ये भी बहुत ही अच्छा टेस्ट में था। और जैसे आप देख सकते हैं जैसे आउटलेट ना का नाम आउटलेट का नाम था चीज़ेरिया, तो पूरा यहाँ पे आपको जितनी खाने की चीज़ मिलेगी वो चीज़ नहीं मिलेगी। और इधर बंदू है।
फर्स्ट टाइम? तो गाइस हमारा खाना होने के बाद हम आ गए हैं डी मार्ट, और डी मार्ट हमारी नियर बाय एरिया में ही है हमारी बिल्डिंग के पास। तो हमें काफ़ी चीज़ें लेनी थी यहाँ पे, और आपको पता है डी मार्ट एक सुपर मार्केट है जहाँ पे अंडर वन रूफ में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती है, और ये बहुत ही इजीली होती है। मतलब आपको ले कोई भी चीज़ लेना, डेयरी प्रोडक्ट लेना, ग्रीन्स लेना, कुछ भी लेना, तो आपको एक अंडर वन रूफ में मिल जाता है। और आपका टाइम जो बाहर अगर आप शॉप में नॉर्मली जाओगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग शॉप्स में जाना पड़ता है, बट यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता और अंडर एक ही छत के नीचे आपको हर चीज़ें मिल जाती है। तो मैं और नाइता आ गए हैं, कुणाल हमें आके ज्वाइन करेगा, और धीरे धीरे हम निकल गए हैं। ये गिर गया नीचे, तो उठाने गया नहीं, गया था मिला नहीं। जब देखो ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, बस यही चलते रहे। वो क्या है, क्या ऊपर, ये चाहिए, वो चाहिए। So, मैं और अनु वॉक करके जा रहे हैं घर पे, क्योंकि हमारे स्कूटी में हवा नहीं थी। So, मैंने और अनु ने सोचा कि हम वॉक करके जाए, और अच्छा लग रहा है हमें वॉक करके, ना अनु? और हमारे घर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, हार्डली 2 मिनट है, तो चल के जाना अच्छा होता है, कभी कभी चांस मिलता है चल के जाने के लिए। और अनु को मज़ा आ रहा है वॉक करने में, नहीं आ रहा है क्यों? अरे वॉक करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बनेंगे ना, नहीं बनेंगे? अच्छा ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें चल के, वो भी ठंडी ठंडी हवा में, हवा में चल के अच्छा लग रहा है, विंटर का मौसम, और हमें मज़ा आ रहा है, अनु को भी मज़ा आ रहा है, और नहीं आ रहा है, और हम और अनु एकदम एंजॉय कर रहे हैं ना अनु। चीटिंग।